अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, टू टॉपिक्स जो है मैंने आज टाइटल लिखे हैं बोर्ड पे, तो आज हमने इन दोनों जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में डिफरेंस करना है कि इन दोनों में आखिर में फर्क क्या है। आज के हमारे लेक्चर का कंक्लूजन इन्हीं दोनों जो टर्म्स हैं इनके डिफरेंस पे होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इन दोनों के डिफरेंस की जो है वो समझ आ जाए। हमें पता है कि जब भी किसी सर्किट में एनर्जी सप्लाई करनी होती है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट मीन्स के फ्लो ऑफ चार्जेस को जो है मेंटेन रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए होता है और वो सोर्स जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एक सर्किट में अगर हमने एक सोर्स लगाया है तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स के फ्लो ऑफ चार्जेस को मेंटेन कर रहा है, जिसको हम स्टेडी करंट कहते हैं, तो वो हमारे पास सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। मतलब कि हमारे पास सेल और बैटरी दोनों सोर्सेज जो हैं ये हमारे पास यूज किए जाते हैं, सर्किट के साथ कनेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ जो सर्किट में, जैसे कि रेजिस्टर कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर होता है, डिफरेंट हमारे पास सर्किट में कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके साथ ये सोर्स हम या तो सेल हम अटैच कर देते हैं या बैटरी हम अटैच कर देते हैं ताकि हमें एक मेंटेन रख सकें हम एक स्टेडी करंट को अक्रॉस द सर्किट जिसके अक्रॉस हमने ये सोर्स पुट किया है। अब ये सोर्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कैसे, कि ये पॉजिटिव चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें। चार्जेस को लिफ्ट करता है हमारा जो सोर्स है, चाहे वो सेल है या बैटरी की, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें, उनको एनर्जी देता है, उनपे वर्क डन की जाता है ताकि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो अक्रॉस द सर्किट जो है वो मूव करते रहें और एक स्टेडी करंट जो है हमारे सर्किट के अक्रॉस जो है वो मेंटेन रह सके। तो उस एनर्जी को जो सप्लाई की जाती है बाय द सोर्स उसको हम EMF कहते हैं। वो हमारे पास एक सोर्स है, जो सोर्स से एनर्जी आ रही है वो हमारे पास EMF है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर जो है टॉपिक के टाइटल में लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास एक फोर्स नहीं है, ये हमारे पास एक सोर्स है EMF जिसको हम कहते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉजिटिव चार्जेस को कि वो क्रॉस द सर्किट मूव करें और जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को लिफ्ट करता है ताकि चार्जेस जो है फ्लो करें। क्योंकि हमारे पास करंट है क्या, करंट बेसिकली हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो है, चार्जेस के फ्लो करने को ही हम करंट कहते हैं। तो चार्जेस को एनर्जी जो है वो देने वाला सोर्स होता है फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ताकि चार्जेस फ्लो करें और हमारे पास स्टेडी करंट जो है वो सर्किट के अक्रॉस मेंटेन रहे। अब इसको डायग्रामेटिकली भी हम देख लेते हैं कि कैसे बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है और वर्क डन होता है चार्जेस पर बाय द सोर्स। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, और यहां पर हमने एक रेजिस्टर साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहां पर हमारे पास सोर्स है जो हमें एनर्जी सप्लाई कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस को ताकि वो मूव करें फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो को हमने माइनस शो किया और प्लस को हाई पोटेंशियल के लिए। तो ये हमारे पास, इसको हम ई से इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे पास EMF है यानी सोर्स है। तो अब हमारे पास जब चार्जेस हैं, जब हमने सोर्स को कनेक्ट किया एक सर्किट के क्रॉस और यहां पर हमने एक रेजिस्टर भी अटैच करवाया हुआ है, तो जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो करंट में जाहिर फ्लो ऑफ चार्जेस का हम जिक्र करते हैं, तो चार्जेस को जो है उस पर वर्क डन किया जाएगा बाय द सोर्स कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें और फिर एक्सटर्नल सर्किट में मूव करें। और यहां पर करंट जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करेगा तो यहां पर एनर्जी डिसिपेट होगी, वो एनर्जी जो यहां पर हमें सोर्स ने दी चार्जेस को।
तो चार्जेस ने जब फ्लो करना शुरू किया सर्किट के में, तो जब वो एक कंपोनेंट जो है सर्किट का जिसके अक्रॉस जो है करंट मूव करेगा, जो बैटरी के साथ हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो है करंट जो है जब मूव करेगा तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेट होगी और उसके बाद वापस लो एनर्जी जो है लो एनर्जी वाले चार्जेस दोबारा मूव करेंगे सोर्स के पास और दोबारा वहां से एनर्जी लेके हाई पोटेंशियल पे मूव करेंगे और यहाँ हमारे पास इसी तरह स्टेडी करंट जिसको हम कहते हैं स्टेडी करंट सर्किट के अक्रॉस जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये चीज जो है मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास बेसिक बातें थी। तो ईएमएफ को हम डिफाइन कैसे करें? द सोर्स मीन्स ईएमएफ इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल। ये सब बातें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हुई हूँ और जो है डायग्राम को देखते हुए हमने इस चीज को भी एक्सप्लेन भी किया है कि ईएमएफ हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो सप्लाई करती है एनर्जी किसको, यूनिट चार्जेस को, ताकि जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें और उसके बाद जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करें मींस के एज अ करंट। तो ये जो एनर्जी है हमें सेल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है जो हमारे बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अब इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें पता है कि हमेशा फॉर्मूला जो है हम निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है तो उसको हमने डेल डब्ल्यू से शो किया, वर्क डन हो रहा है यूनिट चार्जेस पे जिसको मैंने डेल क्यू से शो किया है। हमें पता है वर्क का यूनिट जूल होता है जिसको हम जाउल भी कह सकते हैं और यहाँ पर चार्जेस का कूलम होता है तो जाउल पर कूलम जिसको हम वोल्ट कहते हैं। लेकिन हमारी बुक हमें कहती है कि ईएमएफ ना तो हमारे पास एक फोर्स है, जिस तरह के नाम से जाहिर है काफी लोग इस चीज को समझ लेते हैं, नेम इंडिकेट जैसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहा जाता है। तो मिसकंसेप्शन जो है इसका बहुत हो सकता है कि फोर्स कंसीडर कर सकते हैं कुछ लोग इसको इसके नाम से, लेकिन ना तो ये एक फोर्स है ना तो हम इसको न्यूटन में फोर्स की तरह मैयर करते हैं। हमारे पास यूनिट जो है वो ईएमएफ का जूल पर कूलम जो कि वोल्ट है वो हमारे पास आ रहा है जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है कि ईएमएफ हमारे पास सोर्स है, एक सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसके तौर पे हम इसको लेंगे, ना कि फोर्स और ना ही न्यूटन में इसको हमने मेजर करना है, वोल्ट में मेजर करना है। और जो एनर्जी सप्लाई की जाती है बाय द सेल वो चार्ज कैरियर पर सप्लाई की जाती है। अब हम सेल की बात कर रहे हैं जो सोर्स हमने लिया, तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है सेल से वो असल में पॉजिटिव चार्जेस का मतलब था चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? असल में यही करंट को जो है फ्लो करवाते हैं और ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। इन केस ऑफ गैस जैसे हमारे पास चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। इन केस ऑफ मेटल्स हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास चार्ज कैरियर जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। तो असल में सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द चार्ज कैरियर्स ताकि, और ये एनर्जी ड्राइव कहां से होती है? ये एनर्जी ड्राइव होती है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बात को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। हमें पता है कि सेल की कंस्ट्रक्शन की हम बात इस वक्त कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस जो है वो क्लासेस में भी इन चीजों को डिस्कस जाहिर किया हुआ है कि सेल की कंस्ट्रक्शन इनर जो है वो क्या होती है। कि सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है जिसको हम लिक्विड कहते हैं और उससे जो है वो चार्जेस जो है फ्लो करते हैं।
वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी की मदद से हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो असल में डिराइव की जाती है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्लूड हमारे पास होता है उससे जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है वहां पर जो बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल के होते हैं। मीन्स की कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है कि ये हमारे पास कोई भी सेल है इसमें यहाँ पर फ्लूइड मौजूद है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट का और यहाँ पर टू इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक एनोड और दूसरा हमारे पास कैथोड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारे पास एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं विद द सोर्स। तो हमारे पास जो है जब चार्जेस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में जो कि फ्लूड है तो वहां पर मूवमेंट जो होती है चार्जेस की वो रेजिस्टेंस कॉज करती है और रेजिस्टेंस जो है उसके कॉज होने की वजह से यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं कि सेल में जो है वो कॉज हो रही है। लाइक अदर कॉम्पोनेंट्स इन द सेल मतलब कि सर्किट में जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और वो रेजिस्टेंस इसी की वजह से होती है कि जब चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि फ्लूड में फ्लो करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। हमने हमेशा सर्किट के जो है एक्सटर्नली जो है देखा जाए तो हमने रेजिस्टेंस जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल एक लाइट बल्ब उसकी क्रॉस जब फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं मूव करते हैं चार्जेस तो एनर्जी डिसिपेट होती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरह सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उसी तरह सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है और जो हमारे पास क्यों होती है ताकि इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उससे रेजिस्टेंस कॉज होने की वजह से और जो सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो असल में डराइव होती है केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं ऐसे प्रोसेस को उससे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस कन्वर्जन के थ्रू जो है हमें सेल या बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अब हम परफॉर्मेंस जो है सेल की देखेंगे ऑफ EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R मींस के एक ऐसे सेल की परफॉर्मेंस जिसका सोर्स EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। और यहां पर हमने ये सेल जो है इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। जिसकी हमारे पास EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको भी शो कर देते हैं हम सेल के स्मॉल R से जिसको शो किया जाता है और यहाँ पर हम सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है अप्लाई करते हैं कनेक्टेड है जो कि सीरीज में विद द सेल इसको हमने कैपिटल R से शो करना होता है। यहाँ पर हमारे एक स्विच S है जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब हमने वोल्ट मीटर यहाँ पर अप्लाई करना है इन दोनों से पैरेलल जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है ताकि हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस पता लगे सर्किट के क्रॉस। अब हमें मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि वोल्ट मीटर हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का लिया इसका क्या मतलब है कि हमने वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखनी होती है और हमेशा हाई होती है वो क्यों होती है ताकि जो है सर्किट का करंट जो है वो वोल्ट मीटर के जो है वो कनेक्शन में मूव ना करे। इससे क्या होगा कि सर्किट का जो क्रॉस जो करंट है वो अल्टर हो जाएगा और इस तरह हमारी मेजरमेंट भी जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो इस वजह से हम इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है उसकी रखते हैं। अब एक चीज हमने याद रखनी है कि वोल्ट मीटर जिसको हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो मेजर करता है जब EMF ऑफ द सेल जब सर्किट ओपन हो। जब सर्किट ओपन होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस R जिसको कैपिटल R होगी और उससे कोई करंट पास नहीं करेगा यहाँ कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी ना रेजिस्टेंस होगी तो वोल्ट मीटर सिर्फ रीड करेगा हमारे EMF ऑफ द सेल को एज अ टर्मिनल वोल्टेज। जबकि जब हमारे पास
स्विच एस क्लोज होगा तो वो फिर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑन अ क्लोज सर्किट जो है वो रीडिंग देगा, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम अब हमने ये सिचुएशन करनी है कि हमने अभी क्लोज रहने दिया है स्विच एस को, तो अब इसमें करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं जो करंट पास कर रहा है इस सर्किट में से वो क्या है। ये इक्वेशन ओहम्स लॉ से निकली, जैसे कि मैं बताया ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल है। आई की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें पता है V ओवर R, तो V को यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है बाई E, क्योंकि हम यहाँ पर EMF का जिक्र कर रहे हैं, जबकि R यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उसको हमने सम अप कर दिया है, कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो हमने निकाली है। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है आई आर एंड आई आर इज इक्वल टू E, तो ये हमारे पास जो है इसकी हमारे पास रीडिंग आई है, जो करंट हमारे पास यहाँ फ्लो कर रहा है वो इस चीज के इक्वल है और हमने इसकी ईएमएफ निकाल लिया। अब हमें पता है ये आईआर क्या है, ये आईआर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें पता है वी इज इक्वल टू आईआर होता है, जिसकी वजह से हमने इसको वी स्मॉल टी से जो है रिप्रेजेंट किया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर, जो कि तब हमारे पास जो है वो होगा जब हमारे पास स्विच एस क्लोज होगा। अब स्विच एस को अगर हम ओपन कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास जो है सेल रीड करेगा, वोल्ट मीटर रीड करेगा ईएमएफ ई को एज अ टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस आर के क्रॉस कोई करंट मूव ही नहीं कर रहा। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है, जब करंट फ्लो कर रहा हो पूरे सर्किट में, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस होगा ईएमएफ के बाय आईआर। इस चीज को जो है अब हम देख लेते हैं किस तरह। जो मैंने आपको बात की है वो ये है कि हमारे पास जब स्विच एस क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा हमारे पास क्रॉस द सर्किट, तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लेस होगी देन ईएमएफ बाय ई आईआर। ये क्यों हमने कहा है कि हमारे पास पोटेंशियल जो डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारे पास वो लेस होगी ईएमएफ की पोटेंशियल डिफरेंस से बाय द फैक्टर आईआर। इस चीज को हम जो है वो इक्वेशन की मदद से देखते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का ज्यादा मेजर किया जाएगा एज कम्पेयर टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की है। अगर हम इस इक्वेशन को मजीद इवेल्युएट करें तो हमारे पास ई की वैल्यू जाहिर हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जो हमारे पास राइट साइड पे जो इक्वेशन है वो हमें यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बता रही है, जबकि लेफ्ट साइड पे हमें सप्लाई की जा रही है एनर्जी। इस चीज का इस इक्वेशन में जिक्र किया जा रहा है किस तरह कि जो हमारे पास कैपिटल ई से मैंने जो शो किया है, ये हमारे पास एनर्जी है जो सप्लाई की जा रही है बाय द सेल, जो पॉजिटिव चार्जेस को जो है मीन्स के चार्ज कैरियर को सप्लाई की जा रही है कि वो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल मूव करें और सर्किट में स्टेडी करंट जो है मेंटेन रखें। तो ये हमारे पास हमारी जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, इस चीज को एक्सप्लेन हमने इस तरह किया, जबकि जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि जो हाफ ऑफ द एनर्जी है जो बाय द सेल अप्लाई की गई है वो हमारी जो है वो डिसिपेट हुई है इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, जबकि कुछ एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि सेल की अपनी रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट में से चार्जेस के फ्लो की वजह से कॉज हो रही है। तो ये हमारे पास इससे ये पता लगता है यहां पर सप्लाई का जिक्र हो रहा है और यहां पर यूटिलाइजेशन का। तो इस सारी जो है डिस्कशन से हमें ये पता लगा कि ईएमएफ हमारे पास एक कॉज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है उस कॉज का।
अब हमने लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था आज के लेक्चर का हमारा कंक्लूजन ये होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है. तो ईएमएफ को हम इधर लिख लेते हैं जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को इधर. अब हमने इन दोनों में फर्क देखना है कि क्या है, और हमने ये जो तमाम डिस्कशन किए हैं इसका हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ईएमएफ है हमारे पास इट्स अ सोर्स या कॉज कह लें, जबकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज एन इफेक्ट. अब ये कॉज है यानी कि करंट फ्लो करे या ना करे सर्किट में से, ये हमेशा जो है प्रेजेंट रहेगा. तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि ईएमएफ इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज ओपन, यानी सर्किट में से जब कोई करंट पास ना कर रहा हो. तो हमारे पास ये सेकंड डिफरेंस आ गया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी प्रेजेंट होती है जब हमारे पास करंट सर्किट में मौजूद हो. पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी से लिख रही हूं, ये जीरो हो जाता है व्हेन देयर इज नो सर्किट, सॉरी नो करंट इन द सर्किट. लास्ट हमने ये जो है इसका डिफरेंस निकाला है कि हमारे पास जो एनर्जी जो है वो सप्लाई होती है बाय द सोर्स यानी कि ईएमएफ की तरफ से. एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय द सेल. और यहां पर क्या होता है कि वही एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हमारे पास अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो ये हमारे पास तीन इसके जो है वो डिफरेंस जो है हमारे पास आ गए, जिनको हमने डिस्कशन के बाद जो है कंक्लूड किया है कि ईएमएफ हमारे पास एक सोर्स है. जाहिर एक सोर्स ही नहीं होगी तो हमारे पास इफेक्ट कैसे आएगा, यानी ये हमेशा प्रेजेंट रहती है, जबकि अगर सोर्स होगी तो ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. तो जब ये डिपेंडेंट है करंट पर, और ये एनर्जी सप्लाई करती है टू द यूनिट चार्जेस ऑफ द जो है वो हमारे पास करंट जिसकी वजह से फ्लो करता है. और यहाँ पर क्या होता है कि जब करंट फ्लो करता है अक्रॉस द सर्किट तो एनर्जी डिसिपेट होती है जब भी वो रेजिस्टेंस से पास करती है, यानी कि ऐसे पॉइंट से जिसमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बन रहा हो तो उसके अक्रॉस जब करंट मूव करेगा तो वहां पर एनर्जी डिसिपेट होगी. तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में जो है वो डिफरेंस जो है उसको देखा कि ये किस तरह आपस में डिफरेंस रखते हैं. अक्सर बच्चों को यही मसला होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में इनको डिफरेंस ही पता लग रहा होता है. तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो है फर्क पता लगे. तो वो ये तीन बातें जिनको हमने कंक्लूड किया आज के लेक्चर में. तो कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में. मैं दोबारा बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.